टॉप 5 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीस। दोस्तों अगर आप यहां पर वीवो के फैन हैं और आपको वीवो की तरफ से अच्छी डिज़ाइन, अच्छे कैमरास और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूं ऐसे ही 5 स्मार्टफोन और साथ ही साथ हमने यहां पर कुछ नए स्मार्टफोन्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उन यूज़र्स की जिनका बजट 11-12 हज़ार रुपये का है और उन्हें यहाँ पर वीवो की तरफ से एक अच्छा कैमरा सेंटिंग या फिर यूँ कहे कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T1X। ये इस बजट के अंदर आने वाला काफ़ी अच्छा फ़ोन है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की अच्छी है और डिज़ाइन भी फ़ोन का आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। वहीं पर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही में अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, पेंटा ग्लास का सपोर्ट, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जहाँ पर आपको सैमसंग का JN1 वाला सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर और कैमरा परफॉर्मेंस फोन की काफी अच्छी है, डे लाइट वगैरह में अच्छे फोटोज आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड वगैरह जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट जो कि आता है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर और इस बजट के अंदर आने वाला ये काफी अच्छा चिपसेट है। साथ ही में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, डिसेंट लेवल की गेमिंग करा देता है और तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है तो ये भी अच्छी बात है। और वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है तो इस बजट में ये फोन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही में ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर जहां पर आपको मिलता है फन टच OS 12। सो देखा जाए तो फोन ये भी अच्छा है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है कैमरा वगैरह के लिए लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए, बट दोस्तों बैंक ऑफर पर ये फोन आपको 11,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर उन यूजर्स के लिए जिन्हें इस बजट के अंदर अच्छे कैमरास, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और तो जबरदस्त फास्ट चार्जिंग चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T144W। गाइज ये जो फोन है ये आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, पेंटा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है और साथ ही 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है लेकिन डे लाइट में फोटोज बहुत कमाल की निकल कर आती हैं। वैसे लो लाइट में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। बैक कैमरा में आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट। वैसे दोस्तों ये बजट के अंदर आने वाला एक डिसेंट सा चिपसेट है जो कि आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2,70,000 के आसपास स्कोर कर जाता है जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक डिसेंट स्कोर है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है लेकिन 44W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। वैसे दोस्तों ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर जहाँ पर आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिल जाएगा। सो देखा जाएगा इस तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक अच्छा खासा ऑलराउंडर फोन है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,499 रुपये। सो और दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का T2X5G अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और ये स्मार्टफोन भी लुक के मामले में काफ़ी कमाल का है।
ये फोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बिल्ड और डिजाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। वैसे ये फोन भी 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, सो लाइट वेट और स्लिम भी है। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, साथ ही साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। 650 निट्स की ब्राइटनेस है, इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और पॉसिबली 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी आपको दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे अच्छी बात है कि डे लाइट में और लो लाइट दोनों में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लेटेस्ट 7nm बेस्ड MediaTek का Dimensity 6020 का चिपसेट, जहां पर आपको आमाली G57MC2 का GPU दिया गया है, और ये स्मार्टफोन ऑन-टू पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। इसका मतलब आपको यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। वैसे आप यहां पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो अभी तक ये कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर पॉसिबली दोनों 5G बैंड का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो का T1 5G। दोस्तों तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फ़ोन के यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट आपको मिल जाता है, साथ ही 550 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर मिलता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आउटपुट बहुत ही कमाल के निकल कर आते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, साथ ही साथ फोन के अंदर आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया, और ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, जो कि बहुत अच्छे स्कोर है। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे ये फोन पर आपको मिलता है फनटच OS 12। भाई सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल फोन काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,990 रुपये, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन अंडर 15,000 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाता है। और फाइनली दोस्तों बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो का T2 5G। जो फोन है ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, हालांकि जो बैक लुक है ये थोड़ा सा शाइनी डिजाइन के साथ में आता है, बट ओवरऑल लुक और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तो और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में आता है, और फोन का जो वेट है वो है सिर्फ 172 ग्राम्स, यानी कि काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.38 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED पैनल, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है, 413 PPI डेंसिटी का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी के अलावा HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी आपको यहां पर मिलता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो इंडोर और आउटडोर में कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की तो 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है, सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं कैमरास की।
तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो सेंसर्स दिए गए हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, जो कि f1.79 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको मिलता है S5K GW3 का एक सैमसंग का सेंसर। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाता है, और दूसरा सेंसर आपको दिया गया है एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वैसे आपको बता दूं कि मेन कैमरा के जो आउटपुट हैं वो काफ़ी कमाल के निकल कर आते हैं, तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आपको बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें गाइस, तो फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो आप यहाँ पर भी फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 6 NM बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, जो कि हमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। काफ़ी स्टेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4 लाख के ऊपर स्कोर कर जाता है, सो आपको यहाँ पर डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, हालांकि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देती है। साथ ही में ये फोन 44W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए लेकिन आउटपुट काफ़ी कमाल के हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक, हाइब्रिड गार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही ये स्मार्टफोन अप टू 6 5G बैंड्स को सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वीवो की तरफ से कोई अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 18,999 रुपये। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं वीवो की तरफ से अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट में, जहां पर आपको अच्छे और तगड़े कैमरास भी मिलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, अच्छी स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी, और तो और एक अच्छा लुक भी मिलेगा। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।